अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी एमन हारून। जल्दी से जाके हमारे चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। तो गाइस, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा लाइट जा रही है, आप यकीन करें मेरा तो रेडी होने का भी दिल नहीं था, लेकिन व्लॉगिंग तो करनी है ना, और सबको भी टाइम देना है, आप लोगों को भी टाइम देना है। तो जी देखें, मेरी स्किन भी कितनी खराब हो रही है, पिंपल्स निकल रहे हैं, अजीब सा मौसम हुआ हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो आज सर्कल फैमिली दोबारा इकट्ठी हो रही है, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, गर्मी बहुत थी, हमने कहा चले कहीं बाहर निकले हैं, देखते हैं इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, वहाँ बैठ के कोई गपशप करें। बस दुआ करें सर्कल फैमिली खैर से पहुँच जाए, क्योंकि जब भी हमेशा हम लोग साथ निकलते हैं ना कुछ उल्टा होता है, या तो किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। बस आप दुआ करें हम पहुंच जाएंगे, भी लोग मेरा गाड़ी में नहीं निकले, गाड़ी से बाहर उतर के कोई हल्ला गुला भी करे। अभी हम लोग बस निकलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं तंदूरी रेस्टोरेंट पे, और हमजा नोशी का वेट हो रहा है, वो लेट है, हमने कहा थी देर में हम चाय शाय पी ले। निकल के तो हम आए थे गर्मी की वजह से कुछ ठंडा पीने, लेकिन मोइन साहब जो है इनको चाय, क्या मसला है यार, तुम चाय के बगैर नहीं रह सकते, हर जगह आके तुम ये लेके बैठ जाते हो, और तुम्हारे आगे भी लोगी कौन कर लेते हैं। हाँ तो ना करूँ, नहीं तुम क्या चाहते हो, छोड़ दूँ मैं, नहीं मोइन को छोड़ो, देना कि नहीं देना यार। मैं तो अपना परस मोबाइल सब कुछ घर बुलाया हूँ, छोड़ आया हूँ, मतलब कंगला, मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकता। ये देखें गाइस, इश्क मुर्शिद बातें कर रहे हैं, वाकई इश्क मुर्शिद लग रहा है, छोटे बच्चे गाइस, आप यकीन बहुत ओवर एक्टिंग करती है, मतलब ये मोबाइल की लाइट तो बंद कर दें यार, पेंडू भूख लग रही है, इसको कुछ खिला दें। आप बातें नहीं, आप बातें कर रही थी, ये क्या नाम है, फ्लावर कहाँ से आ गए? वो कह रहे हैं फ्लावर, आपने खाना नहीं खाया, क्यों मिला ही नहीं, क्या खाना है आपने? मामा, 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 मामा। मोबाइल बंद, कैमरा बंद, देखिए गाइस कितनी मासूमियत से बता रहा है, कैमरा बंद करो यार, एक बंद करोगे कैमरा? नहीं आप करें बंद, आप कैमरा बंद, शोरमा खाओगे जी, शोरमा खाने कैमरा बंद कर दूंगी, नहीं नहीं तुम्हें अल्लाह जी सत की तरह कहीं, नहीं नहीं तुम्हारा कहीं, मैंने भी शोरमा खाना, मैंने भी कुछ दिखाया, लाना चाहिए आपको। चलिए गाइस, शोरमा मंगाते हैं इनके लिए भी और अपने लिए भी, कहाँ से मिलता है शोरमा? देखते हैं, चलिए गाइस, वैसे लग नहीं उम्मीद, परसों बुलाया, नहीं तुम कहाँ पे, कहाँ पे मिलता है, चलो मैं चलो जाओ। मोइन, मोइन नौशीम से क्यों नहीं आया अभी तक, तेरी काम मर गया, क्या कह रहे हो, तेरी काम मर गया, मर तो नहीं गए, ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, तुम लोगों को और भी काम है वैसे, मुझे नहीं लगता भाई, इतनी दूर से खा पी के आ चुके, वेले भी हो चुके, लेकिन फिर भी फटाफट टूट पड़े फ्राइज पे, ये देखा ना, किस तरह खा लो, मोइन इधर ही है, कहीं नहीं जा रहे, हमें नहीं खा लिया ना गाइस, एमएस लोग को यार, ये लो मोइन, ये लो, क्या मजे हैं यार भाजी, वाह ये देखे जी, इन्होंने मजेदार फ्राइज मंगा लिए हैं, फ्राइज और मजे के ना ऐसा होने, हाय हाय, हमने एक बहुत बड़ी डील मंगाई थी, वो थी, ओहो वो कह रहे अभी कैंसिल, अभी वो खत्म हुई है, थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, लेकिन अभी हम आप पराठा आ रहे हैं, हाँ हाँ मजेदार, अच्छा मेरी बात सुन, अगर पैसे ना हो तो हम पता है इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम कैसे मंगाए, पैसे हमारे पास थे नहीं, अब हम खा चुके हैं, कोई बात खैर है, फिर कभी हम आपको दे दे, कोई मसला नहीं है, ज्यादा तो मंगवा लेती यार, ऐसी जा सकते हैं यहाँ से पैसों के बगैर, ये देखें गाइस ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, हर कोई पैसों का भूखा नहीं होता यार, ज्यादा ही मंगवा लेती यार, मंगवा रही थी तो ज्यादा ही मंगवा लेती, कुछ सब खिला दे ताकि हम आपके रिव्यू दे दें भाई, मैं तो समझी थी भाई लड़ेंगे, कहेंगे बर्तन शर्तन धो, लेकिन भाई नहीं, इन्होंने कहा यहाँ से ऐसे ही चले जाए, होती है ना नहीं नहीं हम पैसे देंगे, हम आपस में मजाक कर रहे हैं, एमएल यार इधर से मुझे एक आइडिया है, क्या जो प्रैंक ना करे पब्लिक, तुम हाजिरी हो, सच्ची बात कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ मैं, बस इतना ही, नहीं ना नहीं ना, करते हैं ना, बात तो सुनो, अभी प्लान बनाते हैं, करते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मैं तो कहते हैं अमन बहुत जबरदस्त प्लान है, कुछ करते हैं यार, पब्लिक प्रैंक करते हैं यार, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जैसे हमने खाया पिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे भी जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आके पैसे दे देगा, तो हर कोई बुरा नहीं होता मोइन की तरह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल
मोहिंद फौरन लेट होके कहते फौरन पैसे तो फौरन अभी 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 दे के जाओ। मैंने दो टाइट्स मंगाए अभी तक गिनवाते पैसे फिर भी नहीं क्यों नहीं थी मेरे दिमाग में आइडिया है कोई पब्लिक प्रैंक करे यार जी रही बस कर दो हेमन करते हैं ना नहीं असल वाला करते हैं तू ऐसे दुकान पे जाके कहते हैं तुम दोनों जाओ किसी को आगे काट के भीख मंगवाते नहीं नहीं अब इतना भी नहीं प्रैंक है कोई पब्लिक प्रैंक करते हैं किसी तुम दूसरे दुकान पे जाके मुझे एक आइडिया सुबह में यहाँ पे एक वो है पेट्रोल पंप वहाँ पे स्लश है ठीक है वहाँ अंदर जाते हैं उनसे लेते हैं पीते हैं और फिर उनसे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है देखते हैं क्या रिक्च होता है। गाइस आज देखेंगे कि इस दुनिया में कौन अच्छे लोग हैं जिनके दिल बड़े हैं और देखते हैं किसके नहीं बड़े। ये ना हमारे पास जूस उठा के तुम्हारे सर पे मार दे। गाइस मुझे पक्का यकीन है कि हमन जाके वहाँ पे जूस मांगेगी ना वो दे देंगे पर अगर मैंने जूस मांग लिया ना तो जिगर मुझे उठा के बाहर फेंकेंगे। गाइस देखते अब देखते हैं ना कि भाई कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। आज के व्लॉग में हम ये बताएंगे कि जहाँ से हम जाके खाते हैं पैसे तो हम उनको देंगे लेकिन हम देखेंगे कि भाई उनके दिल कैसे हैं वो हमें फ्री खाना देते हैं कि नहीं। ये अच्छा व्लॉग बन गया आज का कंटेंट खुद का खुद बन गया यानी कि प्रैंक करने का मूड है। अगर मैं प्रैंक में कामयाब हो गई ये प्रैंक मेरे साथ है तो ये सब मुझे खाना खिलाएंगे। हाँ मैं कहूँगी ठीक है खाना हमारी मर्जी का होगा खाना हमारी मर्जी का होगा खाना हमारी मर्जी का मैं लाया हूँ खाना घर में जा चार चूहे खाएंगे वहाँ पे किसको भी डाल दूंगा यानी कि मैंने टेस्ट ट्राई किया हुआ है। गंदे इंसान बनो यार बहुत गंदी बातें कर रहे हैं अभी चलते प्रैंक करते हैं उसके बाद आप लोगों को फंक्शन करा दे तब तक मेरे साथ रहिएगा। 15 मिनट्स लेटर तो हमेशा की तरह कैमरा बंद करो एमन अभी स्टार्ट तो होने दो यार हमेशा की तरह जो कुछ ना कुछ कर लेते खाने पीने आए थे अभी लोगों ने कोई धमाकेदार प्रैंक का सोचा है। तुमने कहा था गपशप मारनी है गपशप मारने खाना पीना तो जरूरी था अभी हम लोग आ चुके लोकेशन पे मोइन अंदर जाके लोकेशन देखने गया है अभी अंदर जाके लोकेशन हम देखने गए हैं अंदर जाके ये लोग करने लगे पब्लिक प्रैंक है पब्लिक प्रैंक में ये होगा फिर मैं खाना कहूंगा पीछे ढोल तक गए हैं चासू बड़ी आई रे चले दिए जा रहे हैं अंदर एमनी था हंस क्यों रही है ये ना बाद में रोती भी अंदर आओ ये देखे जी ये जा रहे हैं अंदर स्लैश में और ये लोग घबराते हुए साइड पे चले गए। चलो जी अंदर चलते हैं पेमेंट क्या करनी है। अब हम चलते हैं इस वाले ट्रेन से भैया हम पैसे लेकर आना भूल गए हैं कोई मसला तो नहीं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो पेमेंट कर दूंगी। सीरियसली चले जाए कोई इशू तो नहीं है। बहुत शुक्रिया भैया इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखूं। हाँ जी ठीक है थैंक यू सो मच। कितनी पेमेंट है वैसे। हाँ जी 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 आप कौन आप कर रहे हैं हमारी पेमेंट आगे तो आप इसी तरह हैं। नहीं आप क्यों करेंगे हम कर सकते हैं आपकी पेमेंट में दे देता हूँ। क्यों मसला होगा आप क्यों फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हम दे सकते हैं बाद में आप मेहरबानी आपका फ्री होने की कोशिश ना करें अपने काम से काम रखें। ठीक है भैया हम नेक्स्ट टाइम फिर आप थैंक यू सो मच। इधर आओ कैमरामैन फाइनली देख लो उन्होंने हमें क्या कहा। छोटा सा प्रैंक कर रहे थे इसलिए हम आपको पेमेंट करके जाएंगे। गाइस ने भी हमें फ्री का स्लश देने के लिए राजी हो गए थे और इन्होंने हमसे कोई पेमेंट नहीं पीछे तीन चीजें फ्री की खा चुके आ गए लेकिन नहीं नहीं हम पेमेंट कर रहे थे वो जो फ्री हो रहा था उसको ब्लॉक
बड़े सेहतमंद खड़े चेक का पड़ा ना मेरे काम खराब चले जी बाहर चल के फिर बात करते हैं जी गाइस। तो हम लोग गए थे प्रैंक करने के लिए लेकिन प्रैंक तो 140 हो गया है गाइस। मैंने कहा था कि वहाँ जाके बड़ी टूट करूंगा मैं, लेकिन अहमद ने एकदम कहा कि आपको क्या मसला है गाइस। मैंने कहा बहुत बंदे हैं, इधर उधर मुंह करके देखा तो सारे ही माशाल्लाह तगड़े थे। मैंने कहा तफा भी पड़ा ना तो मेरी तबीयत साफ हो जाएगी, तो मैं एकदम बाहर निकल आया। मुझे देख के गाइस अगर हारून रहता ना इसकी जगह अहमद की जगह तो यकीन करे देखे अहमद की जगह तेरी जगह जाता था तो कोई बोल लेता तो डर किस तरह निकला जब तेरी बंदूक लेके खड़े थे। उन्होंने वैसे भी देखो लोग कह सकते हैं कि नहीं आप पैसे देके गए लेकिन हम जिसके पास भी गए उन्होंने हमें फ्री तो कहा कोई बात नहीं। गाइस असल में ना अहमद आपको तो गरीब तो लगती नहीं है। मोइन को एक मैं चैलेंज देता हूँ, ये किंग से प्रैंक की तो ऐसी की तैसी मार दिया ना। अब यहाँ पे मुझे एक और आइडिया सूझा लेकिन है थोड़ा खतरनाक, अब देखते हैं करता है कि नहीं करता। मोइन साहब ये छोटा बच्चा है इसको गोदी उठा के पप्पी करो, चलो 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 चले चलो इधर भाई इधर इधर आओ यार इधर इधर और आज का बताइएगा कैसा लगा बोलो। शायद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।